हाय हेलो सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको चार ऑप्शन बताऊंगी। फर्स्ट है दही। आप दही सिंपल अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी, हमारे बाल कंडीशनर भी होंगे। तो फ्रेंड्स, सेकेंड है कि हमें सिंपल पानी लेना है, ये देखिए, और इसमें मैंने लेमन ऐड करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपनी स्कैल्प पे इसे नहाने से अपने हेयर वॉश करने से पहले 1 घंटा पहले इसे अपनी स्कैल्प पे लगाएं और बाद में अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इससे भी आपकी डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपको इसे अपनी स्कैल्प पे कॉटन की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फिंगर से भी। तो फ्रेंड्स, थर्ड है कि आपको अपना कोई भी जो आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसे लेना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट हेयर ऑयल लिया है और किसी भी पैन में हमें पानी गरम करना है और इसमें हमने इस ऑयल को गरम करना है। हमें ज़्यादा गरम नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा ही गरम करना है। ऑयल हम गरम करके अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हमें बेनिफिट देगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको इस ऑयल को गरम करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे गरम नहीं करना, थोड़ा सा ही हमें गरम करना है। अब हमने इसमें लेमन ऐड करना है। इस ऑयल को आप अपने हेयर वॉश करने से 3-4 घंटे पहले लगा के रख लीजिए और बाद में अपना हेयर वॉश कर लीजिए। कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लीजिए। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स, अपना जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं इसमें आप लेमन ऐड कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स, आपको कोई भी शैम्पू यूज़ करना है आप उसमें 1 लेमन ऐड कर लीजिए, 1 नींबू का रस ऐड कर लीजिए और उससे अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इससे भी जो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इनमें से चारों में से कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।